स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो स्किन या फिर हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। मैंने आज सुबह जब अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी तो उस पर मैंने एक मैसेज देखा था। वो मैसेज था कि क्या अंडरवायर जो ब्रा होती है जो टीनेजर्स या लड़कियां या महिलाएं वेयर करती हैं, आजकल ड्रेसेस पहनती हैं, अच्छी अच्छी ब्रा मार्केट में आती हैं, जब महिलाएं वो वेयर करती हैं तो इस तरह की ब्रा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो ब्रा कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है, इस तरह का मैंने मैसेज पढ़ा था। फिर मैंने उस पर कुछ रिसर्च की, कुछ अपनी डॉक्टर फ्रेंड्स थी उनसे बात की कि क्या एक्चुअल में इस तरह की परेशानी आती है। मैंने सोचा कि आज मैं ये चीज आपके साथ शेयर करूं क्योंकि कई सारे मिथ है और कई सारी टीनेजर्स गर्ल्स हैं जो इस बारे में बात नहीं कर पाती, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाती। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी ड्रेसेस पहनने के लिए आप जो ब्रा होती है वो अंडरवायर पहनते हैं टीनेजर्स या गर्ल्स या महिलाएं, ये सब इस तरह की ब्रा प्रेफर करती हैं कई सारी। पहले के जमाने में तो इतना ज्यादा वैरायटी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में तो ब्रा की भी बहुत सारी वैरायटी हो गई है जो हर कोई वेयर करना चाहता है। तो क्या उस चीज से लेकर उस चीज से जुड़े हुए जो मिथ हैं, आज हम उन्हीं मिथों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, मैंने लगातार मैं कुछ दिनों से पढ़ रही हूं कि अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लैक कलर की ब्रा पहनने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ब्रा पहनने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये ऐसे टॉपिक है जिसपे कोई बात ही नहीं करना चाहता, बस किसी ने किसी को मैसेज किया, पहले ने दूसरे को फॉरवर्ड किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ये सर्कुलेट होता है और एक्चुअल जो चीज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती और इस तरह के मिथ लोगों तक पहुंच पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार अंडरवायर ब्रा पहनने से क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो देखिए जो अंडरवायर ब्रा होती है वो बहुत ज्यादा टाइट होती है, आपने देखा होगा हैवी होती है। तो अगर आप 24 आवर्स तक लगातार अंडरवायर ब्रा पहनते हैं या टाइट ब्रा पहनते हैं या बहुत हैवी ब्रा पहनते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडरवायर ब्रा ही, अगर आप इस तरह की ब्रा को 24 घंटे से ऊपर लगातार पहनते हैं तो इससे क्या होता है, लिम्फा सिस्टम जो आपके बॉडी में होता है वो जकड़ जाता है। उसके जकड़ने से क्या होता है, बहुत सारे जो केमिकल होते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वो इकट्ठा होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह की ब्रा वेयर करते हैं तो आप इसे लगातार 24 घंटे के लिए वेयर ना करें। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अंडरवायर ब्रा को ही लगातार 24 घंटे तक वेयर ना करें, आप कोई भी टाइट ब्रा जो हो, जो आपको कंफर्टेबल ना हो, आप उसको वेयर काफी लंबे समय तक ना करें। देखिए जब आप बाहर गए तो आपने वेयर कर लिया, कोई खतरा नहीं होता, टोटल मिथ है ये कि ऐसी ब्रा पहनने से खतरा होता है। आप इजीली बिल्कुल बिंदास होकर ये चीजें वेयर कर सकते हैं क्योंकि इससे किसी भी तरह का खतरा ना नहीं होता है। खतरा क्या होता है अब मैं आपको बता देती हूँ कि अंडरवायर ब्रा या फिर टाइट ब्रा पहनने से क्या क्या खतरा होता है। देखिए टाइट ब्रा से तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अंडरवायर ब्रा की बात करें, देखिए अंडरवायर ब्रा होती है वो आपको पहनने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत हैवी होती है, टाइट होती है बहुत ज्यादा, इससे जो खतरा होता है वो स्किन में होता है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में ईचिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा टाइट होने के कारण रेडनेस की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। एक और इसकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए जब भी अंडरवायर ब्रा को हम वॉश करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कभी भी वॉश नहीं हो पाती है, वायर होता है और वो उतने अच्छे से वॉश नहीं हो पाती है जिस वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो जब भी आप अंडरवायर ब्रा पहने तो उसको वॉश जब करें तो उसके पहले आप डिटॉल के पानी में उसको कुछ देर के लिए डुबो कर रख दें, उसके बाद आप उसे वॉश करें। ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है, आप जरूर ट्राई कीजिए जिससे कि आपकी जो ब्रा है उसमें जो भी जिस भी तरह के कीटाणु इन्फेक्शन अगर कहीं से लगा हुआ हो तो वो क्लीन हो जाए। तो आपको डिटॉल के पानी में इसे डालकर कुछ देर के लिए रखना है और उसके बाद इसे वेयर करना है। तो दोस्तों ये हो गई अंडरवायर ब्रा पहनने से। और हाँ, कई लोगों को रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ईचिंग होने लग जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है,
तो आप जब भी इसे वेयर करें तो पाउडर का यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, टेलकम पाउडर आप लगा लें, जिससे कि आपको पसीना ना आए। तो पसीना नहीं आएगा तो ईचिंग भी नहीं होगी, रेडनेस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये कुछ तरीके छोटी मोटी चीजें हैं जो आप अपने अंडरवायर ब्रा पहनने से पहले प्रिकॉशन रख लेंगे तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं, ब्लैक कलर की ब्रा पहनने से भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मैंने कई सारे मैसेज, इनफैक्ट मैं खुद भी इस बात पर बिलीव करती थी कि ये इस तरह से ब्लैक कलर की ब्रा पहनने से, क्योंकि माइंडसेट हो जाता है कई बार, एक ही एक तरह की चीजें हम लगातार पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसी डायरेक्शन में माइंड चले जाता है। लेकिन आज जब मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो उन्होंने बोला है कि ऐसा अभी तक कोई भी रिसर्च में साबित नहीं हुआ है कि चाहे अंडरवायर ब्रा पहनो या ब्लैक कलर की ब्रा पहनो या डार्क कलर की ब्रा पहनो, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। देखिए, इंडिया में ब्लैक कलर की ब्रा को पहनने के लिए इसलिए मनाही की जाती है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि इंडिया में 6 से 8 महीने तक की गर्मी पड़ती है, और जो डार्क कलर होता है यानी कि ब्लैक कलर हो गया, ब्लू हो गया, कोई भी डार्क कलर होता है वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि गर्मी बढ़ती है शरीर में और ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई। ब्लैक कलर की ब्रा पहनी तो कैंसर की परेशानी या कैंसर का खतरा बढ़ गया। तो ये सारे मिथ हैं जिन्हें हमें इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं उन पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है, अंडरवायर ब्रा पहनने से आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी भी इन चीजों पर रिसर्च चल रही है कि क्या वाकई में ब्रेस्ट कैंसर इन चीजों से होता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मिथ हैं, वैज्ञानिकों के अलग अलग मिथ हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर होता है, ब्लैक कलर की ब्रा पहनने से कैंसर होता है। तो आप खुलकर इन ब्रा को वेयर कर सकते हैं। देखिए, जो छोटी छोटी सी चीजें होती है, जब हमें उस बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है तो हमें इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं उन्हें आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किस पर ये मैसेज कैसा असर करे तो ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से चीजों को लेके श्योर हो जाना चाहिए। आप आसानी से अंडरवायर ब्रा पहन सकते हैं, ब्लैक कलर की ब्रा पहन सकते हैं। ये जो मैंने आज बताया है ये पूरी तरह से मिथ था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को प्यार दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।